समालखा से कांग्रेस के नेता संजय छोकर को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसको लेकर आज संजय छोकर ने स्थानीय स्काईलार टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, इसके अलावा और भी काफी कमियां हुई जिस पर मंथन किया जा चुका है। जींद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने जींद उपचुनाव को सियासी दंगल का सेमीफाइनल बताते हुए कहा कि चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बेरोजगारी को दूर करने और राम मंदिर बनाने तथा अन्य जो भी वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत को लेकर आगामी 2019 के चुनाव के प्रति वे आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करती है, जबकि भारत की जनता इससे उल्टा काम करेगी। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। किस किस तरह की जिम्मेदारी के लिए वो बता? ऐसा राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी ने मुझे बनाया। पहले तो मैं सबको 2019 की नए सत्ता वर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं, और पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, बहुत बड़ी जिम्मेवारी नेशनल लेवल की दी है। तो ये तो अब पार्टी तय करेगी कहाँ पे आप नेशनल लेवल पे किस तरीके से वर्क एलोकेशन होगा, वो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन मैं तो पार्टी का, राहुल जी का, रंजीत जी का, सबका जो हमारी लीडरशिप है, जिसमें चेयरमैन है हमारे जो मीडिया के पूरे देश के, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और पहले भी पार्टी ने जिम्मेवारियाँ दी हैं, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष में रहा, महासचिव रहा, तो हमने बेखूबी से पूरी ईमानदारी से जिम्मेवारियों को निभाया है, और पूरी उम्मीद है कि इस जिम्मेवारी को भी हम अच्छे से निभाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। और जो बड़े मुद्दे आज के टाइम पे आपने देखा कि मीडिया, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक राजनीति में मुद्दा होता है, उसको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, तो मीडिया में किस तरीके से अपनी पार्टी के लिए हमें बात करनी है, लड़ना है, कोशिश करनी है, वो सारी चीज़ें हम इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। बाई इलेक्शन में मुद्दे क्या है जिससे लोगों को आप प्रभावित करें, लोग कांग्रेस को कंसीडर करें, क्या इश्यूज आप लेंगे? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश में आज जो हालात है किसानों के, युवाओं के, या अगर आप पूरे देश की बात करें, उसका पूरा असर इस जीत बाई इलेक्शन पर भी होगा। हरियाणा की बात करें तो तीन बड़े मुद्दे थे, बीजेपी जब सरकार बनाई, मोदी ने सरकार बनाई, बड़ी बड़ी बातें करी, बड़े बड़े वायदे किए, तो तीन बड़े मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार। आप मुझे लगता है तीनों में ये सरकार फेल हुई है, प्रदेश की सरकार भी और देश की सरकार भी। ना 2 करोड़ रोजगार दिए गए, बल्कि डीमोनेटाइजेशन के बाद और GST के बाद तो आप पानीपत से आप हिसाब लगाइए कि रोजगार में कमी आई है। आप इन्होंने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जो 50,000 के करीब, तो हमारे पास आंकड़ा जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कांग्रेस के टाइम पे लगे लोगों को हटा दिया गया, रोजगार कम हुए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। महंगाई में आज वो हालात है कि कमर तोड़ दी लोगों की, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया जीना। आप चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें या आप खाने के सामान की बात करें, दाल सब्जी, आप किसी चीज़ को उठा के देख लीजिए, महंगाई जस्ट डबल हुई है। आप जब कांग्रेस के टाइम पे 450-450 रुपये का सिलेंडर था, तो ये बीजेपी के नेता आपने देखा होगा कपड़े निकाल के घूम रहे थे और बड़ी बड़ी बात करते कि महंगाई, और आज सिलेंडर 850-900 रुपये का हो गया, तो आप ये उस पर जवाब भी नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है तीनों मुद्दे बहुत अहम रहेंगे, रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में आप देखिए, आप अकेले प्रदेश की सरकार की बात करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास में, आप भ्रष्टाचार ज़्यादा हुआ है। आप किसी नॉर्मल आदमी से बात करिए, अगर जहाँ पे 500 रुपये देने पड़े थे वहाँ 1,000 रुपये देने पड़े थे। और देश की बात करें तो रफेल आपके सामने एक इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं ये कहता हूँ, कल डिफेंस मिनिस्टर ने अपना बयान दिया, उसने कहा कि हम इसी मुद्दे पे मोदी वापिस आएगा। मैं ये कहता हूँ ये इसी मुद्दे पे मोदी सरकार वापिस जाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, 5 सवाल राहुल जी ने किए थे, आज तक मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने देखा वो उन्होंने एक इंटरव्यू किया था चैनल पे, एक नया तरीका निकाल लिया। आप अगर आज मीडिया से, जब सरकार बनने के बाद तक मोदी जी मिले नहीं है, एक नया तरीका निकाल लिया कि आप किसी एक एंकर को बैठा दो, वो सवाल भी वही कर रही है, जवाब भी वही दे रही है, बड़ा बिल्कुल हल्के तरीके से। वो ए नहीं, न्यूज़ एजेंसी है, बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रदेश, अगर मेरे को जिम्मेवारी मिली है या प्रदेश का मुख्यमंत्री है, अगर आप उससे सवाल जवाब करना चाहें तो आप ANI से क्यों बात करेंगे? आप भी तो, आपके भी तो सवाल होते हैं, इंडिविजुअल भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको चैनल कवर करने पड़ते हैं, तो वो कोई बात नहीं थी। और वो जो उसमें टेक्निकल कारण है, मान लो आज तक इंटरव्यू लेते, पहली बार चुनाव, क्योंकि पार्टी कांग्रेस पार्टी कभी भी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती नगर निगम का, लेकिन पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा था, बिल्कुल नया तरीके से चुनाव था, डायरेक्ट। आज यहाँ पे संजय छोकर जी आए, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, इस उपलक्ष्य में आज उनका स्वागत किया गया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का और राहुल जी का और सुरजेवाला जी का सभी ने बहुत बहुत धन्यवाद किया है, जो इतनी जिम्मेवारी दी है इनको। इन्होंने पहले भी यूथ कांग्रेस पे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने अच्छे युवा साथी जोड़े थे, अब आगे भी ये और साथी, बढ़िया साथी जोड़ेंगे, और जो प्रदेश में जो ये भाजपा सरकार है इसके जो कारनामे वो उजागर करेंगे, मिलके सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेके चलेंगे। आज मैं दोबारा फिर राहुल जी का धन्यवाद और सुरजेवाला जी का यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष।